और जो ग्रीनरी है ना मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। बहुत ही पावरफुल मास्क है ये। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टिमिस्टिक लिविंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, मेरा कुछ दिनों से कोई भी वीडियो नहीं आ पा रहा था बिकॉज मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स थे और मेरे अपने भी कुछ हेल्थ इश्यूज थे। तो बट ठीक है, जो नहीं कर पाए उसको जाने देते हैं और जो कर सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं। सो आज मैंने सुबह सुबह ही व्लॉग करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना डेली रूटीन। लाइक बहुत सिंपल सी लाइफ है मेरी और एक बहुत ही सिंपल सा डे होगा। बट या जो भी होगा, जैसा भी होगा, जो भी मैं करूँगी सब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 7। तो सुबह सुबह वैसे मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है कि सुबह सुबह बाहर जो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चलती है एंड देखो लेट मी शो यू सी, और जो ग्रीनरी है ना मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, मुझे बहुत अच्छी लगती है और सुबह सुबह तो बहुत अच्छा लगता है बाहर। तो मैंने भी भिगोए थे रात में चने, तो अब मैं उसको बॉईल होने देती हूँ। दूध मैंने ऑलरेडी रख दिया है तो शुरू हो गई है सुबह की ड्यूटी। ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पनीर परांठा। उसके लिए मैंने पनीर लिया है, पनीर में डाला है प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, कसूरी मेथी एंड नमक, मिर्च, गरम मसाला एंड आमचूर पाउडर, दैट्स इट। तो फटाफट से अब हम अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैं सोच रही थी कि एक हेयर मास्क बनाऊं बढ़िया सा अपने बालों के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मैंने बालों में कोई ऑयलिंग नहीं करी है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। तो इन बेचारों को भी थोड़ी सी पैम्परिंग चाहिए, तो चलिए इन बेचारों को थोड़ी सी पैम्परिंग देते हैं और बनाते हैं बढ़िया सा बहुत ही सिंपल ईजी हेयर मास्क। चलिए अब हेयर मास्क बनाने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा दही और इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ी सी एलोवेरा जेल एंड थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा मैं डालूंगी कोकोनट ऑयल एंड थोड़ा सा आलमंड ऑयल। तो और मैं इसमें एक और चीज़ डालूंगी जो कि है विटामिन ई का कैप्सूल। थोड़ा सा इसको कट करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और फिर इसको हम एक बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। बहुत ही पावरफुल मास्क है ये। आप देखिए इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स कितने अच्छे हैं और नेचुरल हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको घर पे इजीली नहीं मिलेगा। सब कुछ इजीली अवेलेबल है, बहुत ही क्विक एंड ईजी है और बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए। तो ज़रूरी नहीं है आप में इसमें तीन तरह का ही ऑयल डालेंगे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आपके पास एक है एक डालें, दो है दो डालें, जैसा भी आपको सही लगता है आप वैसा डालें। और इसका हर एक इंग्रेडिएंट अपने आप में ही बहुत बेस्ट है। तो अभी हम कर लेते हैं मास्क अप्लाई।
और बहुत ही सिंपल है इसको अप्लाई करना अपने हेयर्स पे। तो सबसे पहले तो हम बालों को कॉम कर लें, एंड मैं करूंगी सेंटर पार्टिंग। और जैसे हम अपने बालों में ऑयल लगाते हैं, मैं इसको किसी ब्रश से नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल हाथ से ही लगाऊंगी क्योंकि मुझे वैसा ही सही लगता है, इजी लगता है मुझे। तो अब मैं इसको जैसे ऑयलिंग करते हैं वैसे ही अपने बालों में लगाऊंगी, बिल्कुल स्कैल्प में लगाऊंगी, उसके बाद में इसको हेयर लेंथ में अप्लाई करूंगी। और थोड़ा सा गाइस मैसी भी होगा, यहां वहां गिरेगा तो इतना तो चलता है, कोई बात नहीं। अब हेयर मास्क अप्लाई करने के बाद मैं कम से कम इसको 1-2 घंटे के लिए रखूंगी और उसके बाद मैं हेयर वॉश करूंगी। तब तक इसके दौरान मैं बाकी के सारे काम निपटा लेती हूँ फटाफट से। हो चुके हैं और जो छोले हैं वो मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे और अभी मैं इसको तड़का लगा दूंगी। तो आज लंच में मैं बना रही हूँ छोले चावल। सो शुरू करते हैं। काश अगर सारे काम ऐसे चुटकी बजाने से हो जाते तो कितना मज़ा आता ना। चलो कोई बात नहीं, तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आफ्टर हेयर वॉश। तो अब मैं कर चुकी हूँ हेयर वॉश एंड ट्रस्ट मी, मैं आफ्टर वॉश मेरे को अपने बाल इतने स्मूथ लग रहे हैं एंड ये मास्क काफ़ी अच्छा काम करता है और मतलब एक एप्लीकेशन में इतना अच्छा रिजल्ट है, तो बार बार अगर हम इसको यूज़ करेंगे कंटिन्यूसली तो हमें काफ़ी अच्छे बाल हो जाएंगे हमारे। सो ये तो आज का मेरा सारा काम हो गया है, बट अब मेरे को लग गई है बहुत भूख, तो अब मैं करूँगी लंच और मिलूँगी आपसे बाद में। तो लंच के बाद अब मैं थोड़ा सा वही 10 मिनट का रेस्ट और उसके बाद फिर बच्चों की स्टडीज़ का भी देखना होता है, होमवर्क्स होते हैं, वो सब करवाने के बाद अब मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ। तो अभी मुझे कुछ एक दो काम है, कुछ घर के लिए 1-2 चीज़ें लेनी है, वो मैं नीचे जाके ले आती हूँ अभी फटाफट से और मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर बाद। हाँ, लेकिन नीचे जाने से पहले मैं आपको आज किसी से मिलवाना चाहती हूँ, तो चलिए मिलवाती हूँ मैं आपको। से हाय। हाय। पूछो कैसे हो आप सब। आप सब कैसे हो।
ये है मेरा छोटा बेटा, आपका नाम क्या है, नाम बताओ। समरवीर सिंह। जोर से बोलो, समरवीर सिंह। हाँ, समरवीर सिंह। इसका नाम वैसे तो समरवीर सिंह है, बट हम इसको घर में प्यार से सैमी बुलाते हैं। एंड ये ऐसा है हमारे घर में जो हमारा सबका दिल लगा कर रखता है, बिजी रखता है हमें एक्चुअली। तो चलिए आप चलते हैं नीचे। शेयर किया अपना एक डे। तो वैसे तो हर डे सेम नहीं होता है, किसी दिन कोई काम जरूरी होता है, किसी दिन कोई काम जरूरी होता है। तो मेरा डे डिपेंड करता है कि क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, उस हिसाब से। तो वैसे भी जब हर रोज नया सूरज निकलता है, उसके साथ एक नया दिन आता है, तो हर एक नया दिन हमारे सामने नए नए चैलेंजेस लेकर आता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। और ये चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं हमारे सामने नए नए एक्सपीरियंसेस। तो उन एक्सपीरियंसेस से हम सीखते हैं, और जब हम नया नया सीखना शुरू कर देते हैं ना, तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ ले जा रहे होते हैं। तो एंड यू नो व्हाट, जब भगवान हमारी लाइफ में ये चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि हम इनसे डील करते करते एक ना एक दिन अपना एक बेटर वर्जन क्रिएट कर लें। सो आई होप आपको ये मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है optimisticliving_daljeet, जो कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आई जस्ट नीड योर लव एंड सपोर्ट, जुड़े रहिए मुझसे, और मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।